suena más chulo. आने में जा रहा था इसके एकदम आवाज नहीं कर रही, आवाज नहीं, आवाज नहीं, इसको कर डाला así. कोई हीट करना पड़ा तो कोने का तब निकला। हाँ तो चुप कर रहता ना, वैसे अगर वो करते हैं तो कामयाब नहीं हो पाता, खुलता नहीं मुँह उसका। अच्छा एक बार जरा सा मुँह खुल गया फिर छूट जाता तुरंत ही। फिर ब्लेड घुमा दो ना इधर से, एक साइड से इधर से ब्लेड डालोगे ऐसे। अच्छा फिर ऐसे चार तरफ घुमा दो, फिर सारे में तेल फैल जाएगा अंदर ही। तेल कैसे, तेल कहाँ से डालोगे फिर? तेल डालने में तो तेल इसके अंदर होता ना, वो जैसे क्रिस्टल को तुम उठाओगे ना कोने से, वो तेल खोलता चला जाएगा, फिर फैलता ना उसके अंदर से लिक्विड, जो हम तुम ऐसे उंगली फैलाते ना तो ये। अच्छा ये लिक्विड है, लिक्विड है इसके अंदर ही होता है। अच्छा अभी हाथ ये चीज जो देखो निकलना ना, देखो देखा मैंने जी तेल है। हेलो ठीक है, आ गया जी, आ गया सही से, आज सही से समझाऊंगा। जैसे तो निशान विशान भी रह गया, धब्बे वब्बे काले वाले, तो हम ऊपर से साफ कर सकते हैं, पीछे जाएंगे ही नहीं। ये ऊपर रहेगा ना जी? सही, इससे ऊपर ही रहेगा, बस पीछे के जो साइन है वो हमें धोने पड़ेंगे फिर लड़ते। दो तीन दिन दो चीज़ का याद रखे, पंखा मत चलाओ, साइन जरूर देख लो ना साइन, फिर बाद में साले मिटेंगे नहीं वो, मिटेंगे नहीं अंदर चले जाएंगे तो।
थिनर से वॉश करो इसे। लेकिन ये चढ़ तो गया, फिर इसका जो कॉफ चेंज नहीं कर पाएंगे, कॉफ चेंज नहीं होंगे नहीं, क्यों कॉफ इसके अंदर दबी है ना, टेस्ट अला बड़ा थोड़ा इससे बड़ा है ना पता। क्रिस्टल तार के अंदर वाला हिस्सा नहीं, कटिंग करनी पड़ेगी, बाहर आएगा और बाहर वाला हिस्सा अंदर जाता है चिपकाते समय। नहीं नहीं, क्या कटिंग करोगे, क्रिस्टल की कटिंग करोगे? नहीं, किनारी है, किनारी काट दो ब्लेड सोल्डी वाली थोड़ी। बस चढ़ गया पोलाइजर।